एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट। उन्होंने उसे उतारा और चाय की केतली में पैक किया। मॉन्टमोरेंसी वॉज इन इट ऑल ऑफकोर्स। ऑफकोर्स मतलब निश्चित ही ये मॉन्टमोरेंसी का काम है। जो यहाँ मॉन्टमोरेंसी है वो उनके डॉग का नाम है, कुत्ते का नाम है। तो उन्होंने कहा कि इसमें निश्चित ही इन सब के लिए जो जिम्मेवार है वो मॉन्टमोरेंसी है। मॉन्टमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ इज़ टू गेट इन द वे। मॉन्टमोरेंसी का ये एम्बिशन होता है, ये इच्छा होती है कि वो हर किसी के रास्ते में आए, यानी कि टांग अड़ाए एंड बी स्वॉर्न एट और गालियाँ खाए, बुरी बातें सुने। इफ़ ही कैन स्क्रीम इन एनी वेयर वेयर ही पर्टिकुलरली इज़ नॉट वॉन्टेड एंड बी अ परफेक्ट नॉसेंस। नॉसेंस का मतलब होता है मुसीबत। एंड मेक पीपल मैड एंड हैव, कहते हैं इफ़ ही कैन स्क्रम, कि अगर ऐसी जगह में वो स्क्रीम कर सके, घूमकर बैठ सकता हो, वेयर ही पर्टिकुलरली इज़ नॉट वॉन्टेड, जहाँ उसकी विशेष रूप से कोई ज़रूरत ना हो, एंड बी अ परफेक्ट नॉसेंस। नॉसेंस होता है तो वो पूरी तरह से मुसीबत बने, एंड मेक पीपल मैड और लोगों को पागल बना दे, एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, देन ही फील्स हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड। और जब तक लोग उसके सर पर चीज़ें ना थ्रोन करें, मतलब फेंके, तो उसे लगता था कि उसका दिन बेकार नहीं गया, कि उसने दिन वेस्ट नहीं किया। अगर लोगों को उसकी वजह से कोई मुसीबत होती है, कोई तकलीफ़ होती है, तो उसे लगता है कि हाँ, उसका दिन आज ख़राब नहीं गया, वेस्ट नहीं गया। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम। स्टम्बल मतलब मजबूर करना, कि किसी को मजबूर करना कि वो, एंड कर्स हिम स्टडली फॉर एन आवर इज़ हिज हाइएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट। कहता है किसी को मजबूर करना कि वो उस पर से लुढ़के और उसे लगातार एक घंटे तक गालियाँ दे, अब्यूज़ करे, बुरा भला कहे। एंड व्हेन ही हैज़ सक्सीडेड इन अकम्पलिशिंग दिस, हिज कंसीट बिकम्स क्वाइट अनबियरेबल। कहता है उसके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य या इरादा है, और जब तक ऐसा करने में सफल हो जाता है तो उसका जो घमंड है एकदम असहनीय बन जाता है। कंसीट जो होता है उसका मतलब होता है घमंड, और अनबियरेबल मतलब असहनीय, जिसको सहन ना किया जा सके। ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स, आया और चीज़ों पर बैठ गया। जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड, एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीफ दैट व्हेनेवर हैरिस और जॉर्ज रीच्ड आउट देयर हैंड फॉर एनीथिंग, इट वाज हिज कोल्ड डंप नोज दैट दे वांटेड। कहता वो आया और चीज़ों पर उसी समय बैठ गया, और जब उन्हें पैक करने की ज़रूरत थी, और वो इस पक्के विश्वास के साथ जी रहा था कि जब भी जॉर्ज और हैरिस किसी चीज़ के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे तो वो उनका अपना खुद का ठंडा गीला नाक ही होगा जिसकी उन्हें तलाश थी। कोल्ड नोज, कोल्ड डंप नोज, डंप गीला, ठंडा गीला नाक, दैट दे वांटेड मतलब जो वो चाहते थे। ही पुट हिज लेग इन टू द जैम एंड ही वरीड द टी स्पून्स एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रेड्स एंड गोट इन टू द हैम्पर। कहता है कि ही पुट हिज लेग इन टू द जैम, उसने क्या किया, अपनी टांग को जैम में डाल दिया, और उसने चमचों को भी बिखेर दिया, टी स्पून्स को भी बिखेर दिया। एंड ही प्रिटेंडेड दैट लेमन्स वर रेड्स, और उसने ऐसा ढोंग किया, ऐसा दिखावा किया कि वो
जो नींबू है वो चूहे हैं, और गॉट इन टू द हैम्पर एंड किल्ड, थैले में घुसकर तीनों को मार दिया। Killed three of them before Harris could land him with the fry pan. इससे पहले कि हैरिस उसे फ्राई पैन से पीट सकता, उसने घुसकर ही तीनों को मार दिया, उसने ऐसा दिखावा किया। Harris said I encouraged him. हैरिस ने कहा कि मैंने उसे प्रोत्साहित किया है, उत्साहित किया है। I didn't encourage him. और मैंने उसे प्रोत्साहित नहीं किया था। ए डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी एंकरेजमेंट, कहता है एक उस जैसे कुत्ते को किसी के प्रोत्साहन की ज़रूरत ही नहीं होती, आवश्यकता ही नहीं होती। एंकरेजमेंट मतलब उत्साह। और एंकरेज मतलब प्रोत्साहित करना। इट्स द नेचुरल, ये स्वाभाविक है। और ओरिजिनल सीन, वास्तविक सीन होता है पाप, बुरा काम, वास्तविक पाप है। दैट इज़ बोर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट, कहता है और उसके अंदर ही पैदा होता है और उसे इस तरह के काम करने को मजबूर करता है। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50, अब जो पैकिंग थी वो 12:50 पर पूरी हुई। हैरिस सेट ऑन द बिग हैम्पर, हैरिस जो है एक बड़े से हैम्पर पर बैठ गया। एंड सैड ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, उसने कहा कि मुझे आशा है कि कुछ भी टूटा हुआ नहीं मिलेगा। ब्रोकन मतलब टूटा हुआ। जॉर्ज सैड दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन विच रिफ्लेक्शन सीम्ड टू कम्फर्ट हिम। अब जो जॉर्ज है उसने कहा कि अब जो टूटेगा टूट जाएगा, जिस थॉट ने, जिस विचार ने उसे क्या दिया, कंफर्ट किया, सांत्वना दी कि जो होगा देखा जाएगा, टूटा होगा तो टूटा ही मिलेगा। ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड, उसने ये भी कहा कि अब वो जो है सोने के लिए तैयार है, बेड पर जाने के लिए तैयार है। वी वर ऑलरेडी फॉर बेड, वी हम पहले ही सोने के लिए तैयार थे, बेड पर थे। हैरिस वॉन्ट्स टू स्लीप विद अस दैट नाइट एंड वी वेंट अपस्टेयर्स, हैरिस ने उस रात हमारे साथ सोना था और वो हम सब जो है वो अपस्टेयर ऊपर चले गए। वी टॉस्ड फॉर बेड बेड्स, हमने बिस्तरों के लिए टॉस किया। एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी ही सैड, हैरिस को मेरे साथ सोना पड़ा, उसने कहा। डू यू प्रेफर द इनसाइड और आउटसाइड, जे जे, अब हैरिस ने पूछा कि क्या तुम अंदर की तरफ सोना पसंद करोगे या बाहर की तरफ। इनसाइड मतलब अंदर की तरफ और आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ। आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड, मैंने कहा कि मैं जनरली आम तौर पर बेड के अंदर की तरफ सोना ही पसंद करता हूँ। हैरी सेड इट वॉज ओड, हैरिस ने कहा ये बात बहुत ओड है, अजीब थी। जॉर्ज सेड, जॉर्ज ने कहा व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज, जॉर्ज ने कहा कि मैं तुम्हें कितने बजे जगाऊँ, वेक मतलब जगाना। हैरी सेड 7, हैरिस ने कहा 7 बजे। आई सेड नो 6, मैंने कहा नहीं 6 बजे, बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स, क्योंकि मैं कुछ लेटर लिखना चाहता था, पत्र लिखना चाहता था। हैरिस एंड आई हैड ए बिट ऑफ रो ओवर इट, कहता हैरिस और मेरे बीच इस बारे में कुछ तकरार सी हो गई। रो मतलब तकरार से मतलब है यहाँ पर, बहस होना, तकरार होना। बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेड 6:30, और बाद में क्या हुआ, हमें जो अंतर था वो हमने वो बांट लिया और कहा कि ठीक है 6:30 बजे। 6:30 का मतलब है 6:30 बजे। वेक अस एट 6:30 जॉर्ज, वी सेड, हमने कहा कि
6:30 बजे जगा देना। जॉर्ज मेड नो आंसर, जॉर्ज ने कोई उत्तर नहीं दिया। एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन एस्लीप फॉर सम टाइम, और हम जब उसके पास गए तो देखा कि वो तो कुछ समय से सो रहा था। सो वी प्लेस्ड द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इन टू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग एंड वेंट टू बेड आवरसेल्व्स। इसलिए हमने बाथटब को वहाँ रखा और जहाँ सुबह उठने पर उसके अंदर घुस सकें और हम भी सोने चले गए। बाथटब को अपने पास रख लिया उन्होंने ताकि सुबह सीधा उसके अंदर घुस सके, मतलब जल्दी से तैयार हो सके, और दोनों सोने चले गए। तो ये जो लेसन था, आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।